हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 8 जुलाई वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। कौन कौन से आर्टिकल्स आज डिस्कस करने हैं, लेट्स टेक ए ग्लांस। तो फर्स्ट आर्टिकल बेसिकली वेस्ट बंगाल असेंबली ने जो रिसेंटली रेजोल्यूशन पास करी है लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेटअप करने के लिए, उसके बारे में है। हम यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के बेसिक के बारे में जानेंगे, हाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड, हाउ इट कैन बी रिमूव्ड, इन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इसके बारे में भी देखेंगे, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू ये होती है। एंड जो सेकेंड आर्टिकल है बेसिकली यूएई एंड ओपेक प्लस कंट्रीज से एसोसिएटेड है, और आपको भी पता है ओपेक का मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होता है, जो पेट्रोल का जो सप्लाई है ऑल ओवर द वर्ल्ड उसे कंट्रोल करते हैं, और कहीं ना कहीं इसका क्या इफेक्ट भारत के ऊपर होगा, इन सब के बारे में भी डिस्कशन होगा, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो इम्पैक्ट ऑन इंडिया, क्यों, बिकॉज इंडिया कहीं ना कहीं लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर होता है आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस का। सो डेफिनेटली जो भी डिसीजन ये ओपेक नेशन लेते हैं या फिर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन लेते हैं, कहीं ना कहीं भारत को उस पर इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलता है। और अभी आप रिसेंटली देख रहे हो कि जो प्राइस हाइक है पेट्रोल और डीजल के, वो कितने ज़्यादा हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल। साथ ही साथ जो ओपेक एंड ओपेक प्लस में क्या अंतर है, इसके बेसिक के बारे में जानेंगे, जो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड द थर्ड आर्टिकल विल बी ई कॉमर्स जायंट फ्लिपकार्ट बास सिंगल यूज प्लास्टिक पैकेजिंग। तो आप देख सकते हो प्लास्टिक पॉल्यूशन को कर्व करने की दिशा में कहीं ना कहीं जो ई कॉमर्स कंपनीज है वो आगे आ रही है, और सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स है सिंगल यूज प्लास्टिक के, और अगर ये डोमिनेट कर जाते हैं किसी भी देश में तो फिर उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, और गवर्नमेंट क्या दिशा या स्टेप्स ले रही है टू डील विद द सिंगल यूज प्लास्टिक, क्योंकि काफ़ी बिग कंसर्न आपका सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसे भी देखे जाएंगे, साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि आखिर कुछ डिफरेंट नेशन, फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन नेशन, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करती हैं, वो क्या है। एंड इन द नेक्स्ट आर्टिकल वी विल बी डीलिंग विद दिल्ली गेट्स ओन जीनोम सीक्वेंसिंग लैब फॉर सार्स कोव 2। तो बेसिकली जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है इसके बेसिक के बारे में डिस्कस किया जाएगा। डीएनए स्ट्रक्चर्स के बारे में हम देखेंगे कि डीएनए स्ट्रक्चर्स में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस ये इंपॉर्टेंट है, और जीनोम सीक्वेंसिंग के क्या फायदे होते हैं ये भी देखा जाएगा, और वेरियस इनिशिएटिव जो लिए जा रहे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर, क्योंकि इसके बेनिफिट है, दैट्स व्हाई नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वेरियस इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, है ना। सो इनके बारे में डिस्कस किया जाएगा, और जीनोम सीक्वेंसिंग के फायदे पर भी डिस्कस किया जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना, क्योंकि मेंस के लिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड इन द नेक्स्ट एंड द लास्ट आर्टिकल वी विल डिस्कस अबाउट डोंट डिवाइड टेरर इनटू कैटेगरीज, यानी कि इंडिया ने यूएन को संबोधित करते हुए साफ साफ कहा है कि टेरर में आपको डिफरेंशिएशन नहीं करने चाहिए, देयर इज नो गुड टेरर नो बैड टेरर, ये तो आपने भी सुना होगा। सो वी विल डिस्कस इन डिटेल वन बाय वन, बट लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल। वेस्ट बंगाल असेंबली पासेस रेजोल्यूशन टू सेट अप लेजिस्लेटिव काउंसिल। कुछ क्वेश्चन अगर आप हमें आंसर कर सको तो वो और अच्छा बात होगा प्रीलिम्स के लिए। करंटली हमारे देश के कौन कौन से राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल अवेलेबल है, और लेट्स मूव टू द टॉपिक। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो ये अपर हाउस होती हैं किसी भी स्टेट में। फॉर एग्जांपल जैसे आपका राज्यसभा अपर हाउस होता है नेशनल लेवल पर, उसी प्रकार से स्टेट लेवल पर आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, और इट इज ए परमानेंट हाउस लाइक द राज्यसभा, ये आपको याद रखना है ना। एंड जो मेंबर्स होते हैं इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ये या तो नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, या फिर इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। इनडायरेक्टली इलेक्ट करने का मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे, बट लेट्स मूव फर्दर। जो टेन्यूर होते हैं मेंबर्स ऑफ द काउंसिल वो 6 ईयर्स होते हैं, याद रखना है आपको, इट इज सिमिलर टू द राज्यसभा मेंबर टेन्यूर। एंड ये याद रखना है कि जो 1/3 ऑफ द मेंबर्स हैं हाउस के, वो रिटायर किए जाते हैं एवरी 2 ईयर्स में। तो इसका मतलब लेट्स से कि अगर आपका 1/3 मेंबर्स रिटायर होता है इस साल, तो अगले 2 साल बाद फिर से 1/3 रिटायर होंगे, फिर अगले 2 साल बाद 1/3 फिर रिटायर होंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ओवरऑल एक मेंबर 6 ईयर का टर्म एंजॉय करता है, है ना। तो ये इसीलिए आप टेन्यूर को आप 6 ईयर्स मान सकते हो। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो पहली बात तो ये कि
इंडियन सिटीजन होना चाहिए, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आपका इंडियन सिटीजन की डिमांड करता है, चाहे वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो आपने सीएजी के बारे में पढ़ा होगा, प्रेसिडेंशियल ऑफिस, गवर्नर ऑफिस है ना, तो इंडियन सिटीजन की तो डिमांड करती ही करती है। और आपको ये याद रखना है प्रीलिम्स के लिए कि जो आपका मिनिमम एज चाहिए वो 30 इयर्स चाहिए, एंड ए पर्सन कैन नॉट साइमल्टेनियसली बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम स्टेट लेजिस्लेचर के भी मेंबर हैं और पार्लियामेंट के भी मेंबर हैं। पार्लियामेंट के मेंबर कहने का मतलब या तो लोकसभा का मेंबर या तो राज्यसभा का मेंबर। एंड अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्रिएशन और एवोल्यूशन की, तो आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली प्रोवाइड करी गई है इसके एवोल्यूशन और क्रिएशन के बारे में, एंड इट एम्पावर्स द लेजिस्लेटिव असेंबली कि वो क्रिएट कर सकते हैं या फिर एवोल्यूश कर सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन। एंड याद रखना है स्टेट लेजिस्लेचर का काम रेजोल्यूशन पास करना होता है, और ये रेजोल्यूशन आपको पता होना चाहिए कि स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाए जाते हैं, बट एक्चुअल में लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट होंगे या नहीं क्रिएट होंगे ये पार्लियामेंट निर्धारित करती है, बिकॉज ये एक बार ये जो रेजोल्यूशन है वो पास हो जाने के बाद ये फिर आपका अलाउ करता है पार्लियामेंट को कि वो इस इश्यू को अपने हाउस में कंसिडर करे, और फिर जब इसे पार्लियामेंट में कंसिडर किया जाता है तो सिंपल मेजोरिटी से बेसिकली इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल को या तो एवोल्यूश किया जा सकता है या फिर इसे जो क्रिएट किया जा सकता है। और लेकिन याद रखना है ये जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन या फिर डिस्ट्रक्शन, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। दैट्स व्हाई पार्लियामेंट जो एक्शन लेती है वो सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव होता है, तो ये आपने सुना भी होगा। और फिर आप देख सकते हो अंडर आर्टिकल 171 द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट एक्सीड 1/3 स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि अगर किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रेंथ लेट से कि 60 है तो आपका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होगा 1/3 ऑफ 60, दैट इज योर 20। बट ये भी याद रखना है आपको कि मिनिमम जो मेंबर चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए वो आपका 40 होता है। इसका मतलब अगर यहाँ पर आपका 1/3 आपका 20 आ रहा है तो फिर 20 आपका क्वालिफाई नहीं होगा, आपको 40 मिनिमम तो रखने ही रखने है ना, तो ये भी बात आपको याद रखना है। एंड इट शुड बी पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग। सिंपली कहा जाए तो आपका स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। याद रखना है रिजोल्यूशन पास करवाने में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होगी, बट इस बिल को जब पार्लियामेंट में लाया जाएगा और पार्लियामेंट जब पास करेगी तो सिंपल मेजोरिटी से ही पास होगी। और जैसा कि मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कितने लेजिस्लेटिव काउंसिल एट प्रेजेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो 6 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और आपको याद रखना है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका। वैसे आपको याद हो जाएंगे जैसे यूपी बिहार ये कॉम्बिनेशन बनता है, उसके बाद आप आंध्र प्रदेश कर्नाटका को याद रख सकते हो, फिर आपका महाराष्ट्र एंड कर्नाटका को याद रख सकते हो ना, तो महाराष्ट्र एंड कर्नाटका बिकॉज ये सब एक साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो आराम से यूपी बिहार हो गए आपके, आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो गया एंड कर्नाटका एंड महाराष्ट्र हो गया, तो कर्नाटका एंड महाराष्ट्र को आप याद रख सकते हो कर्मा से है ना, तो कर्मा यानी कि कर्नाटका और महाराष्ट्र, KRMAH कहने का मतलब ये है कर्मा, कर्नाटका और महाराष्ट्र। और अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स के कंपोजिशन की, तो देख सकते हो 1/3 जो मेंबर्स होंगे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा चुने जाते हैं, 1/3 मेंबर है ना, और फिर जो अनदर 1/3 मेंबर्स हैं ये लोकल बॉडीज के द्वारा इलेक्ट करी जाती हैं, जैसे म्यूनिसिपैलिटी हो गई या फिर अदर लोकल अथॉरिटीज हो गए। एंड फिर आपका 1/12 इलेक्ट किए जाते हैं ग्रेजुएट्स के द्वारा, 1/12 अगेन आर इलेक्टेड बाय टीचर्स, एंड 1/6 आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। याद रखना है गवर्नर के द्वारा 1/6 नॉमिनेट किया जाता है, ये अच्छे से याद रखना, ऐसा नहीं कि ये 12 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं लाइक द प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं है, 1/6 जो है वो नॉमिनेट करी जाती है गवर्नर के द्वारा, 1/3 आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, 1/3 आपका लोकल बॉडी, एंड 1/12 आपका इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट, 1/12 आर इलेक्टेड बाय टीचर्स, एंड 1/6 बाय गवर्नर। तो ये से अच्छे से याद रखनी, तो होप बेसिक आपको गवर्नर के बारे में, गवर्नर नहीं बेसिकली लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में क्लियर हो गई होगी। और ये आर्टिकल आप याद रख सकते हो, बिकॉज जब आप मेंस आंसर राइटिंग करोगे तो इन आर्टिकल्स का जब आप मेंशन करते हो तो एडिशनल एज
आपको मिलेंगे, अदरवाइज लिखने वाले तो सब लिखेंगे ही लिखेंगे, बट अगर जिसने आर्टिकल ऐड किया, जिसने कुछ सजाया, कुछ रिफ्लेक्ट करवाया कि हाँ हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की जानकारी है, तो उन्हें मार्क्स कहीं ना कहीं अच्छे आने की संभावनाएँ होती है। सो वी हैव डिस्कस दिस आर्टिकल, लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल, व्हाट यूएई एंड ओपेक प्लस इम्फेसाइज मीन्स फॉर इंडिया। तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि ओपेक के मेंबर कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हो, वैसे तो इतने सारे मेंबर्स आप याद नहीं रख सकते, अगर रख सकते हो तो वेरी गुड, बट एक बात तो जरूर याद रखना कि वेनेजुएला भी मेंबर है ओपेक का, और ये जो आपका अफ्रीका के जो नेशंस है इसमें भी मेंबर्स हैं, और फिर आपके जो एशिया में जो आपका अरेबियन पेनिनसुला है वहाँ से भी मेंबर्स आ जाते हैं। तो ये आप ओवरऑल आइडिया रख सकते हो, बट ये याद रखना है कि साउथ अमेरिका से वेनेजुएला आता है जो कि ओपेक का मेंबर है। तो बेसिकली ये न्यूज़ इसलिए आई है क्योंकि हाल ही में टॉक्स देखने को मिली थी बिटवीन यूएई एंड ओपेक प्लस ग्रुप, जिसके तहत जो ग्लोबल पैक्ट है, यानी कि जो ग्लोबल लेवल पर डिसीजन चल रहे हैं कि ऑयल प्रोडक्शन को कट किए जाए बियॉन्ड अप्रैल 2022, इसको एक्सटेंड करने की बात कही जा रही थी, लेकिन इस बात पर सहमति नहीं हुई है ना, तो इसी को लेकर ये न्यूज में आया है। तो बेसिकली आपको ये पता है कि जो 2020 में ऑयल प्राइसेस कितनी ज्यादा फॉल कर गई थी, और इसका कारण आपको ये पता है कोविड-19 पैंडेमिक, जिसके कारण आपका जो ट्रेवल एंड टूरिज्म है, ट्रेवल एंड टूरिज्म काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ था, तो ये काफी ज्यादा इफेक्ट किए थे ऑयल सेक्टर को, एंड दैट्स व्हाई ओपेक प्लस ग्रुप अप्रैल 2020 में 2 ईयर आउटपुट पैक्ट करते हैं, सो दैट स्टीप कट किया जा सके क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में फॉर बेटर प्राइस डिस्कवरी। अब आप समझ सकते हो यहाँ पर कि स्टीप कट क्यों किया जाएगा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस फॉल कर रही है। अब ऑयल प्राइसेस फॉल कर रही है तो फिर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर तो असर पड़ रही है ना। तो अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो आपको ही पता है कि जो आपके प्राइसेस हैं वो रेज किए जा सकते हैं डिमांड सप्लाई को चेंज करके। तो अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो फिर जाहिर सी बात है प्राइस फॉल हो जाएगी। अगर सप्लाई को ही कम कर दिया जाए तो फिर कहीं ना कहीं प्राइस अच्छी मिल सकती है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो यही यहाँ पर ये जो ओपेक प्लस ग्रुप है उस कंसेप्ट को लाने वाले थे कि क्यों ना स्टीप कट कर दी जाए आउटपुट की। और बेसिकली इसी पैक्ट पर अभी कंसेंसस नहीं हुआ है, बिकॉज कंसेंसस ये बनाई जा रही थी कि अप्रैल 2022 के बाद भी ये ऑयल प्रोडक्शन का शॉर्टेज या फिर आर्टिफिशियल शॉर्टेज कह सकते हो बनाकर रखा जाए, सो दैट बेटर प्राइस डिस्कवरी हो। और फिर नवंबर 2020 में ड्यू टू स्टडी रोल आउट ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड एंड पिकिंग अप ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी प्राइसेस स्टार्टेड राइजिंग टू द प्री कोविड लेवल। तो जो कंसर्न थे ओपेक प्लस नेशन के कि भविष्य में हमारी प्रोफिटेबिलिटी को क्या होगा, वो कंसर्न धीरे धीरे मिटने लगे थे, बिकॉज आपको पता है वैक्सीनेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड आने लगी थी और इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से पिकअप होने लगी थी, ट्रेवल एंड टूरिज्म फिर से रिवाइव होने लगी थी, तो प्राइसेस फिर से बेटर स्थिति में आने लगे थे, और कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड प्राइसेस वो इन देशों को आने लगी थी। लेकिन फिर भी इस रिकवरी के बावजूद ओपेक प्लस जो ग्रुप है उन्होंने लोअर लेवल ऑफ प्रोडक्शन ही रखा था, एंड जब साफ क्रिटिसिज्म हुआ, और आप देख भी सकते हो अभी जो करंट प्राइसेस है जो पेट्रोल और डीजल के, 100 पेट्रोल के तो 100 पार हो गए थे इंडिया में और डीजल के भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। तो ये ऐसा नहीं है कि शॉर्टेज हो गई है ऑयल की, इट इज़ ऑल बिकॉज जो प्रोडक्शन है उसको कट शॉर्ट कर दिया गया था, आर्टिफिशियल शॉर्टेज की स्थिति बनाई गई थी, है ना। तो जब ओवरऑल वर्ल्ड से क्रिटिसिज्म आया, खासकर डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया, तो ओपेक प्लस ने एग्री किया कि चलो क्रूड प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाए, यानी कि सप्लाई को इंक्रीज किया जाए, सो दैट प्राइस जो है वो कम हो सके। तो दैट्स व्हाई ये आपका, और इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं इंडिया एज वेल एज डेवलपिंग इकोनॉमीज के ऊपर कितना ज़्यादा है, और खासकर भारत जो इतना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट करता है ऑयल एंड नेचुरल गैस सबको। तो अगर हम बात करें इसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया के ऊपर, तो ओपेक प्लस अकाउंट फॉर मोर देन 80% ऑफ द इंडियाज ऑयल इम्पोर्ट। तो दैट्स वाई ये काफ़ी ज़्यादा मेजर सिग्निफिकेंस रखता है कि ओपेक प्लस या ओपेक ग्रुप क्या डिसीजन लेते हैं ऑयल प्रोडक्शन या क्रूड प्रोडक्शन के ऊपर, और उसका आप समझ सकते हो कितना इम्पैक्ट हो सकता है। 80% ऑफ इंडियाज ऑयल इम्पोर्ट ये आपका मेंटेन करी जाती है ओपेक प्लस के द्वारा।
एंड इंडिया इज करंटली फेसिंग हाई रिकॉर्ड प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, इसलिए अगर डेडलॉक रिजॉल्व नहीं होता है तो जो रिलीफ की बात की जा सकती थी कि प्राइसेस कम होंगे बिकॉज सप्लाई इंक्रीज होगा, तो ये डिले हो सकते हैं और लंबे समय तक ये जो आपका प्राइस इंक्रीमेंट है वो देखा जा सकता है भारत में भी। एंड इट विल स्लो डाउन द इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमिक पोस्ट द पैंडमिक, एंड हाई प्राइसेस में ऑल्सो इंक्रीज द करेंट अकाउंट डेफिसिट बिकॉज हमें ज़्यादा पैसे पे करके प्रोडक्ट मंगाने पड़ेंगे ना, दैट्स वाई ये करेंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ा सकता है, साथ ही साथ इन्फ्लेशनरी प्रेशर इकोनॉमी के ऊपर डाल सकता है बिकॉज आपका वैल्यू करेंसी डिक्रीज हो जाती है ना अगर ट्रेड डेफिसिट या करेंट अकाउंट डेफिसिट किसी दूसरे देश के साथ या ओवरऑल वर्ल्ड के साथ होता है तो, है ना। सो ये हमने बेसिक डिस्कस किया। और अगर हम बात करें ओपेक एंड ओपेक प्लस के बारे में, तो ओपेक का हेडक्वार्टर वियना में है, याद रखना है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, हेडक्वार्टर वियना, और परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। बगदाद कॉन्फ्रेंस के दौरान जो 1960 में हेल्ड हुआ था तब बनाया गया था। एंड ये जो नॉन ओपेक कंट्रीज की बात करें, तो नॉन ओपेक कंट्रीज या फिर ओपेक प्लस की बात करें, तो ओपेक प्लस जो है वो नॉन ओपेक कंट्रीज होते हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल को, इन्हीं को हम ओपेक प्लस कंट्रीज कहते हैं ना। तो ओपेक प्लस कंट्रीज आर द नॉन ओपेक कंट्रीज विच एक्सपोर्ट द क्रूड ऑयल, एंड इसमें एग्जाम्पल के तौर पर रशिया, मैक्सिको, मलेशिया ये सब आ जाते हैं, है ना। तो ये आपको बेसिक क्लियर हो गई होगी बिटवीन ओपेक एंड ओपेक प्लस खासकर, एंड इम्पैक्ट क्या होगा ओपेक के इस प्रकार के जो डेडलॉक की स्थिति बन रही है वो भी हमने डिस्कस किया। और आप देख सकते हो किस प्रकार से आर्टिफिशियल शॉर्टेज है, इसीलिए ये भी कहा जाता है कि भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करनी पड़ेगी बाय अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, और उसके लिए भारत विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, आप देख भी रहे। So we have discussed this issue and let's move to the next article, e-commerce giant Flipkart bars single-use plastic packaging. तो basically single-use plastic की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है, एक बार यूज कर लो उसके बाद थ्रो कर दो। तो these are disposable plastic and commonly used for plastic packaging and include items which intended to be used only once. For example, आप कभी जूस शॉप पर जूस पीते होगे तो जो प्लास्टिक आपको मिलती है वो आपका सिंगल यूज प्लास्टिक ही होता है एंड इसको जनरली रिसाइकल नहीं किया जाता है, दैट्स वाई ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसकी रिसाइकलिंग नहीं हो पाती है बिकॉज इट इज सिंगल यूज प्लास्टिक, यूज एंड थ्रो। एंड इंडिया जनरेटेड 26,000 टन्स पर डे ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन 2017-18 एज पर द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये डाटा आपको याद रखने हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन के ऊपर, 26,000 टन्स पर डे, आप समझ सकते हो कितना हैवी लोड प्लास्टिक पॉल्यूशन का या प्लास्टिक वेस्ट का इंडिया के ऊपर पड़ रहा है। और उसमें से क्या आपका 60% ही रिसाइकल किया गया था, तो रिसाइकलिंग की भी एक कंस्टेंट है हमारे देश में, अदरवाइज प्लास्टिक का यूज कोई बुरी बात नहीं है, बट अगर ये रिसाइकिल नहीं होती है तो कहीं ना कहीं इसके निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी झेले जाएंगे। प्रॉब्लम्स जो एसोसिएटेड है सिंगल यूज प्लास्टिक से, फॉर एग्जाम्पल सिंगल यूज प्लास्टिक स्लोली एंड ग्रेजुअली ब्रेक डाउन इंटू स्मॉलर पीसेस ऑफ प्लास्टिक नॉन एज माइक्रो प्लास्टिक, है ना। तो ये जो आपके सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं वो धीरे धीरे माइक्रो प्लास्टिक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और माइक्रो प्लास्टिक जो होंगे एक तो ये कि काफ़ी टाइनी होते हैं एंड इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू डिकम्पोज, यानी कि आसानी से डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो ये जहाँ भी ब्रेक डाउन होंगे वहाँ पर पड़े रहेंगे लंबे समय तक, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो आपका वाटर हो, चाहे वो आपका ओशियन हो, सी हो, एंड कंटेमिनेट द सॉइल एंड वाटर इन द प्रोसेस। और इतना ही नहीं, ये फूड चैन, फूड वेब में इंटर कर जाती है जिसके कारण बायो एक्युमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन ये सब इवेंट होते हैं, और अल्टीमेटली ये ह्यूमन को भी अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन्स मछली खाएंगे, फिश खाएंगे, और अगर वो फिश माइक्रो प्लास्टिक खा के रखी हुई है, तो इट विल इम्पैक्ट द इंडियन, मतलब इट विल इम्पैक्ट द ह्यूमन हेल्थ एज वेल। एंड आपने बहुत सारे न्यूज़ सुने होंगे कि जो व्हेल है या फिर जो वेरियस फिश हैं उनमें बहुत सारे माइक्रो प्लास्टिक्स या प्लास्टिक्स निकले हैं, है ना। रिसेंटली न्यूज़ थी शायद इंडोनेशिया में जहाँ पर एक व्हेल मिला था जिसमें भरे भरे प्लास्टिक्स उनके शरीर से बाहर आए थे। तो गवर्नमेंट स्टेप्स की बात करें तो क्या है, तो गवर्नमेंट का एक टारगेट है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को एलिमिनेट करी जाएंगी बाय 2022, एंड ड्राफ्ट प्लास्टिक वास्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 लाया गया था, विच प्रपोजेज टू बैन सेवरल कैटेगरीज ऑफ सेवरल यूज प्लास्टिक आइटम्स इन 3 stages। एंड ये भी है, ये जो आपका ड्राफ्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 में लाया गया है, इसके बेसिक फीचर्स की बात करें तो पहली बात तो ये कि जो कैरी बैग्स है उसके थिकनेस को बढ़ाया जाएगा
मेड अप ऑफ वर्जिन प्लास्टिक यानी कि विच कैन बी डिग्रेडेड इजिली फ्रॉम 50 माइक्रोन्स टू 120 माइक्रोन्स। तो ये ड्राफ्ट में कहा गया है कि ये जो आपका मिनिमम थिकनेस होना चाहिए कैरी बैग का उसको 120 माइक्रोन्स होना चाहिए और प्रेजेंट जो आपका है वो है आपका 50 माइक्रोन्स या उससे अब, और ये लागू करी जाएंगी फ्रॉम 30 सितंबर 2021। हाउएवर ये तो अभी ड्राफ्ट स्टेज में ही है, तो जब ये लागू होगा तभी तो ये सितंबर 2021 से लागू होंगी। एंड अदर प्रोविजंस की बात करें तो इट बैन्स ऑन द मैन्युफैक्चर इंपोर्ट स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेल एंड यूज ऑफ स्पेसिफिक सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम जनवरी 1, 2022 एंड अलॉन्ग विद अदर बैन ऑन सिंगल प्लास्टिक आइटम्स फ्रॉम जुलाई 1, 2022 इंक्रीजेज विच इंक्लूड प्लेट, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जुलाई 1, 2022 के बाद से क्या होगा आपका कि जो आइटम्स ऑफ बैन वो बढ़ा जाएंगे, यानी कि उसके बाद से आपका प्लास्टिक हो, कप्स हो, प्लास्टिक पीवीसी बैनर्स हो विच इज लेस देन 100 माइक्रोन, तो इन सबको यूज से बैन करवा दिया जाएगा। एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस जो डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा अडॉप्ट करी जाती हैं तो आप देख सकते हो आयरलैंड में, और आपको पता होना चाहिए आयरलैंड मैप पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ है ये। एंड आयरलैंड में क्या हुआ है कि उन्होंने टैक्स लगा दिया है प्लास्टिक बैग्स के ऊपर एट द पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि जहाँ भी ये प्लास्टिक बेची जाती है और जब ये ट्रांजेक्शन किए जाएंगे प्लास्टिक बैग्स के लिए तो टैक्स भी देना पड़ेगा, नॉन एज द प्लास्ट टैक्स। तो ये याद रखना है आपको, ये अच्छा है। द लेवी वॉज सेट 6 times हायर, और ये जो टैक्स लगाई गई है इट इज 6 times हायर देन द एस्टिमेटेड विलिंगनेस टू पे। एंड बेसिकली ये इतना हायर टैक्स इसलिए लगाया जा रहा है कि बिहेवियर चेंज लाया जा सके कंज्यूमर में। फॉर एग्जांपल आप इंडिया में देखते हो कि ये जो आपके टबैको प्रोडक्ट्स होते हैं इनको कितना ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, सो दैट बिहेवियर चेंज आ सके कंज्यूमर में कि लेट्स से इट इज हार्मफुल लेट्स वी डोंट कंज्यूम। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है आपका इट इज एम्ड टू ट्रिगर बिहेवियर चेंजेस इन द कंज्यूमर। एंड जो दूसरा बेस्ट प्रैक्टिसेस वो है आपका नॉर्वे डिपॉजिट रिफंड सिस्टम। सिंस 1999 नॉर्वे हैज यूज्ड ए डिपॉजिट रिफंड सिस्टम फॉर इट्स बेवरेज बोटल्स एंड कैंस, जहाँ पर पब्लिक रिटर्न कर सकती है इन बोतल्स और कैंस को एंड उसके बाद उनको सर्टेन मनी मिल सकता है, है ना। यानी कि आप एक बार आपने लेट से कि कैन या फिर बेवरेजेस बोटल्स यूज किया और अब उसे आप थ्रो ना करो, आप वहाँ पर जाकर डिपॉजिट कर दो और आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे, ये कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट इंडिया में लाई जा सकती है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस आप याद रख सकते हो, है ना। आयरलैंड का भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, क्या है आपका यूज टैक्स लगा दिए गए हैं प्लास टैक्स, है ना, टू ट्रिगर द बिहेवियर चेंज इन द कंज्यूमर। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दिल्ली गेट्स ओन जीनोम सिक्वेंसिंग लैब फॉर SARS-CoV-2। तो बेसिकली नॉर्थ इंडिया में ये थर्ड ऐसी फैसिलिटी होगी जो टाइमली आइडेंटिफिकेशन कर सकेगा COVID-19 के जो वेरिएंट्स देखने को मिल रहे हैं एंड एज पर आइडेंटिफिकेशन क्या स्ट्रेटजीज अपनाई जाएंगी टू काउंटर द वेरिएंट्स, वो भी ऐड की जा सकेगी, वो भी इन्हांस करी जा सकेगी, क्योंकि वेरिएशन को पता लगाना काफ़ी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आपने डेल्टा डेल्टा प्लस वेरिएंट देख रहा होगा जो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर रही है फिर से COVID-19 की स्थितियों को खराब करने में। तो अगर प्रॉपर लैब होगा और प्रॉपर जीनोम सीक्वेंसिंग हो सकेगी तो कहीं ना कहीं इस चैन को ब्रेक किया जा सकता है वाया साइंटिफिक रिसर्च एंड स्टडी। तो जो जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करें तो जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब ही होता है कि डिसाइफर किया जाए एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ बेस पेयर, और बेस पेयर की अगर हम बात करें तो अभी हम डिस्कस करेंगे बेसिकली, है ना। तो एग्जैक्ट ऑर्डर क्या है बेस पेयर का किसी भी इंडिविजुअल में, वो इंडिविजुअल आपका ये वायरस भी हो सकता है ना, तो उसे डिसाइफर किए जाने की प्रक्रिया को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। और जीनोम की बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए होती है एंड इसमें आपके क्रोमोसोम्स आ जाते हैं विच हाउसेज द डीएनए एंड जीन्स स्पेसिफिक डी सेक्शंस ऑफ डीएनए कह सकते हो ना। तो यहाँ पर आप देख लो डीएनए स्ट्रक्चर को जानने से पहले आपको पता है कि जो आपकी ह्यूमन बॉडी है वो या ह्यूमन बॉडी या फिर लिविंग एंटिटी सेल से बने हुए होते हैं ना, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड सेल के अंदर हम जाते हैं तो वी हैव द न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं तो वी हैव द क्रोमोजोम, एंड क्रोमोजोम के अंदर जाते हैं तो वी हैव द न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम ये आप देख सकते हैं, ये जो आपके पॉइंटर सब है ना, ये सब आपके हिस्टोन होते हैं, और हिस्टोन से जो कनेक्टेड थ्रेड है ये आपके डीएनए होंगे, है ना। ये जो हिस्टोन से कनेक्टेड जो थ्रेड है ये आपके डीएनए होते हैं और ये आपके न्यूक्लियोसोम हुए, है ना। और जब इसको एलोंगेट किया जाता है तो यहाँ पर मौजूद होती है आपका जीन, और फिर जब
इसको एलोबरेट देखा जाएगा तो यहाँ पर आपको ये पैटर्न नजर आते हैं, और पैटर्न जो नजर आते हैं यहाँ पर आपको न्यूक्लियोटाइड देखने को मिल रहे हैं। ये सब जो है ना, ये सब न्यूक्लियोटाइड है, बट कहीं ना कहीं न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में अकर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो आप देख सकते हो रेड कलर में, आपके ग्यूएनाइन है, साइटोसाइन है, एडीनाइन है, थायमाइन है। आपको याद रखना है न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर कौन कौन से, चार बेस पेयर है, ग्यूएनाइन, साइटोसिन, एडीनाइन एंड थायमाइन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, है ना। तो क्या आप समझ गए, सेल सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के अंदर न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम को एलोबरेट किया जाएगा तो वी विल बी हैविंग द हिस्टोन, एंड जो थ्रेड होगा, थ्रेड को जब एलोंगेट किया जाएगा तो डीएनए निकलेगी, और डीएनए में आपका बेसिकली जीन निकलेगी और उसको फिर एलोबरेट किया जाएगा तो वी विल बी हैविंग न्यूक्लियोटाइड, एंड ये न्यूक्लियोटाइड आपका बेस पेयर में मौजूद होता है जिसमें आपका ग्यूएनाइन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन होती है। एंड जो वेरियस इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग, तो आप देख सकते हो इंडीजीन प्रोजेक्ट या इंडीजीन प्रोग्राम, और याद रखना है आपको ये जो इंडीजीन प्रोग्राम है ये काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा फंड करी जाती है, सो दैट होल जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ 1000 ऑफ इंडियन इंडिविजुअल्स उसकी स्टडी की जा सके, रिप्रेजेंटिंग द डाइवर्स इथनिक ग्रुप्स फ्रॉम इंडिया, है ना। तो इंडी जीनोम प्रोग्राम के बारे में आपको क्या याद रखना है, इट इज फंडेड बाय काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR टू अंडरटेक द होल जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ 1000 ऑफ इंडियन इंडिविजुअल्स representing the diverse ethnic groups from India। And जो दूसरा है आपका Genome India Project which is conducting under Department of Biotechnology, और इसके तहत 10,000 genetic samples collect किए जाएंगे from citizens across India to build a reference genome। And we will be having the third project, Human Genome Project, और ये Human Genome Project international research effort है जिसके तहत DNA sequence entire human genome की determine की जाएगी। ये याद रखना है, entire human genome की sequencing करी जाएगी, और ये 1990 में शुरू हुआ था लेकिन ये कंप्लीट हो चुकी है, 2003 में ही कंप्लीट हुआ था, याद रखना। तो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वी हैव द इंडिजीन प्रोग्राम CSIR के द्वारा, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इंटरनेशनल रिसर्च एफोर्ट है ये, एंड इन रिलेटेड न्यूज ये जो आपका DBT यानी कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और उसके अंतर्गत आने वाली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक, है ना, कल्याणी, ए डाटाबेस ऑफ जीनोमिक वेरिएशन इन ओरल कैंसर, तो इसको बेसिकली डाटाबेस क्रिएट किया गया है। और आपको पता होना चाहिए ये जो आपका DBT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोम कल्याणी है, विच इज ए ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एंड इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, एंड द डाटाबेस इज पब्लिकली एसेसिबल, तो याद रखना ये डाटाबेस पब्लिकली एसेसिबल। क्या बेनिफिट होते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के, तो आप देख सकते हो अगर जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है और उसमें सफलता प्राप्त कर ली गई तो कोई भी रेयर डिजीज फॉर एग्जांपल कैंसर हो गई, है ना, इनके कॉजेज का पता लगाया जा सकता है, जीनोमिक कॉजेज की। अगर लेट से कि जीनोम सीक्वेंसिंग में कुछ एरर दिख रहा है तो समझ जाएगा उस एरर से कौन सी डिजीज हो सकती है, तो पहले से ही पता रहेगा तो बाद में डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। एंड इंप्रूविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ वायरस स्प्रेड्स एंड इवॉल्व्स, ये भी है, एंड आइडेंटिफाइंग द जेनेटिक म्यूटेशंस एज वेल, एंड रिवीलिंग पॉपुलेशन लेवल प्रीडिस्पोजिशंस टू डिजीज, है ना, कि कौन से डिजीज पॉपुलेशन को कॉज कर सकते हैं अगर कोई सीक्वेंसिंग में एरर दिख रहा है तो, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है आपका जीनोम, आपको पता होना चाहिए जीनोम का मतलब क्या होता है, इट इज एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए, और फिर इसके सिग्निफिकेंस क्या हो सकते हैं ये तो पता ही है, और ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताई है आपको याद रखने, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर आपको प्रीलिम्स के लिए अच्छे से याद रखने हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, डोंट डिवाइड टेरर इनटू कैटेगरीज, ये इंडिया ने यूएन में कहा है। तो बेसिकली 7th रिव्यू ऑफ ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी चल रही थी, इसी दौरान इंडिया की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन है उन्होंने हाईलाइट किया कि थ्रेट ऑफ टेररिज्म इज ग्रेव एंड यूनिवर्सल, एंड इसे डिफीट किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ वाया कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, यानी कि सारे यूएन मेंबर स्टेट्स एक साथ एकजुट हो जाएं, कलेक्टिव एफर्ट्स इनिशिएट करें, तभी जाके ये जो टेररिज्म का ग्रेव थ्रेट है वो खत्म हो सकेगा पूरे विश्व से। एंड न्यू कैटेगरी सच एज रेशियली एंड इथनिकली मोटिवेटेड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, वायलेंट नेशनलिज्म, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये सब टेररिज्म के ही फॉर्म है, ये भारत ने कहा है। साथ ही साथ यूनिवर्सली एग्रीड डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, आपको ही पता है ना कि टेररिज्म पर इतनी ज़्यादा बात होती है लेकिन टेररिज्म पर अभी यूनिवर्सल डेफिनेशन है ही नहीं, कि टेररिज्म को डिफाइन ही नहीं किया गया है ग्लोबल लेवल पर, है ना। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हम टेररिज्म की बात करें बट ग्लोबल लेवल पर कोई भी
टेररिज्म को डिफाइन नहीं किया है बिकॉज वेस्टेड इंटरेस्ट है सारे नेशन के, इसीलिए है ना। तो कंटिन्यूड एब्सेंस ऑफ यूनिवर्सली एग्रीड डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म इज डेट्रीमेंटल टू द कलेक्टिव गोल ऑफ एलिमिनेटिंग इट। भाई साहब जब प्रॉब्लम पता ही नहीं होगा कि क्या है तो फिर एलिमिनेट क्या करोगे, है ना। सब अपने अपने देश अपने अनुसार टेररिज्म को डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन द वेस्टेड इंटरेस्ट। एंड 1996 में इंडिया ने प्रपोज किया था अडॉप्शन ऑफ कम्प्रीहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म CCIT एट UNGA सो दैट कम्प्रीहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करी जाए टू काउंटर द टेररिज्म, बट इसे भी अडॉप्ट नहीं किया गया। एंड UNGCTS विच वॉज अडॉप्टेड इन 2006 जिसकी बात हमने कही है, यूनिक ग्लोबल इंस्ट्रूमेंट है जिसके तहत नेशनल रीजनल इंटरनेशनल एफर्ट्स इन्हांस कर सकते हैं मजबूत कर सकते हैं टू डील विद द टेररिज्म एंड इंडियाज अदर एफर्ट्स टू प्रिवेंट टेररिज्म एट इंटरनेशनल लेवल। तो आप देख सकते हो इंडिया ने एक रिजोल्यूशन भी लाया था मेजर्स टू प्रिवेंट टेररिस्ट फ्रॉम एक्वायरिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और इसे अडॉप्ट भी किया गया था कंसेंसस विदाउट ए वोट एट UNGA, कंसेंसस पर ही इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। एंड ऑन द ओकेजन ऑफ 20th एनिवर्सरी ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 1373 इन 2021 इंडिया ने 8-point एक्शन प्लान प्रोवाइड किया टू डील विद टेररिज्म। बट दिक्कत ये है ना कि टेररिज्म तो टेररिज्म है बट टेररिज्म को डिफाइन ही नहीं की जा रही है, तो हाउ द वर्ल्ड विल फाइट, तब तो कोई एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहेगा, तो ये बड़ी इश्यू है। सो लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज, एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये तो न्यूज आप सुन ही रहे होंगे लगातार। तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने का मतलब ये है कि नए नए मिनिस्टर्स इंडक्ट किए जाएंगे, साथ ही साथ ये भी हो सकते हैं कि जो जूनियर मिनिस्टर्स होंगे उसको प्रमोट की जा सकती है। तो एक्सपेंशन का मतलब बहुत चीज़ होता है ना, एडिशन हो सकता है ना, प्रमोशन हो सकता है, इवन डिमोशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तो आपका प्राइम मिनिस्टर निर्धारित करता है ना। तो यूनियन गवर्नमेंट एक्सपेंडेड इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू 77। तो आप टोटल यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या क्या हो गई है 77 बाय इंडक्टिंग न्यू मिनिस्टर्स एंड प्रमोटिंग द जूनियर मिनिस्टर। और याद रखना है आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है 91st अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके तहत आर्टिकल 75 क्लाउज 1A ऐड करी गई थी जिसमें साफ साफ कहा गया था कि जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी टोटल संख्या एक्सीड नहीं कर सकती मोर देन 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, यानी कि लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ अगर फिलहाल देखा जाए तो 552 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट बी मोर देन 15% ऑफ 552। और ये क्या होता है आप हमें बताइए, वैसे मैं कैलकुलेशन में कमजोर हूँ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हाउएवर इट्स साइज एंड क्लासिफिकेशन आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, तो ये तो आपको ही पता है। एंड क्लासिफिकेशन इनटू ए 3-tier बॉडी, फॉर एग्जांपल कैबिनेट मिनिस्टर, देन वी हैव द मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्टी मिनिस्टर्स, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशन पर है, ये आपके संविधान में नहीं बोला गया है कि देयर इज कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डेप्टी मिनिस्टर, है ना, ये आपका पार्लियामेंट्री कन्वेंशन पर आधारित है। हाँ, कैबिनेट टर्म को बेसिकली संविधान में अलग से डाला गया था, और वो कौन सा अमेंडमेंट था आप हमें बताओ तो बहुत अच्छी बात होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज मर्जेज टू फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो बेसिकली ये जो मर्जिंग हुई है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज की, इसके क्या सिग्निफिकेंस हो गए, तो बेसिकली टू गिव बेटर कंट्रोल ओवर स्टेट ऑन्ड फॉर्म्स एंड फैसिलिटेट इट्स एम्बिशियस प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम, बिकॉज गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन प्राइवेटाइजेशन। तो गवर्नमेंट ने मर्ज कर दिया है DPE, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री। एंड अगर हम बात करें DPE's functions, तो इसमें इवेल्युएशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, साथ ही साथ CPSEs के कैटेगराइजेशन का काम भी आपका DPE करता है, जिसमें आपका जो स्टेटस देने की बात होता है रत्ना स्टेटस, मिनी रत्ना, महारत्ना, नवरत्ना, है ना, वो सब आपका DPEs ही करता है। एंड इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास अब टोटल 6 डिपार्टमेंट हो जाएंगे, इसको रट लेना, इकोनॉमी से बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, है ना। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ये तो अच्छे से याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। एंड DPEs हियर टू पैरेंट मिनिस्ट्री द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज कहे जाएंगे, है ना, तो ये याद रखना है। तो अभी जो है आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज चला गया है, तो बेसिकली पहले ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता था, है ना, तो इसका मतलब जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज पहले कहे जाते थे वो अब मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज कहे जाएंगे, बिकॉज पब्लिक इंटरप्राइजेज फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत चली गई है, ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़। नाउ वी हैव द इंटरपोल, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन,
तो बेसिकली इंटरपोल इसलिए न्यूज में आई है बिकॉज इट हैज इश्यूड फ्रेश रेड नोटिस अगेंस्ट द लश्कर ए तैयबा चीफ हाफिज सईद एंड बेसिकली NRN यानी कि रेड नोटिस अलर्ट करती है पुलिस फोर्सेस को अक्रॉस द वर्ल्ड अबाउट द फ्यूजिटिव्स हु आर वांटेड इंटरनेशनली, है ना। तो जो इंटरनेशनल लेवल पर वांटेड कैटेगरी में है उनके लिए बेसिकली रेड नोटिस अलर्ट करी जाती है ना। और रेड नोटिस इज नॉट एन अरेस्ट वारंट, याद रखना है। रेड नोटिस अलर्ट करने का मतलब ये नहीं कि अरेस्ट वारंट इश्यू कर दिया गया हो। और ये आपको याद रखना है प्रिलिम्स के लिए बस ये कि जो आपके रेड नोटिस है इट इज एसोसिएटेड विद इंटरपोल। और इंटरपोल के बेसिक को बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प्स कोऑर्डिनेट द पुलिस फोर्स ऑफ 194 मेंबर कंट्री एंड हेडक्वार्टर लायोन फ्रांस में। इससे तो अच्छे से याद रखना है, लायोन फ्रांस में हेडक्वार्टर है इंटरपोल का। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्प्स कोऑर्डिनेट द पुलिस फोर्सेस ऑफ 194 मेंबर कंट्री एंड ईच ऑफ द मेंबर कंट्रीज होस्ट एंड इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, ये भी याद रखना है। एंड फॉर एग्जाम्पल भारत में जो आपका CBI है उसको नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया डेजिग्नेट किया गया है, ये भी याद रखना है CBI। Now we have the next article, OECD FAO Agricultural Outlook 2021-2030। तो ये जो रिपोर्ट आई है ये कोलेबरेटिव एफर्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट का एंड UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। क्या की हाईलाइट है आप देख लो, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एनिमल प्रोटीन हाई इनकम कंट्रीज में वो ग्रो करेगी स्लोली ओवर द कमिंग डिकेड, यानी कि 3% पर पर्सन। और ये जो गैप है बिटवीन हाई मिडिल लो इनकम कंट्रीज ऑन द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एनिमल प्रोटीन, इसमें आपका मीट फीस डेयरी ये सब आ जाते हैं, इन द नेक्स्ट डिकेड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, या दैट डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगा, है ना। तो ये है आपका। नाउ नेक्स्ट इज योर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टेस्टिंग, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टेस्टिंग। तो WHO ने अलाउ कर दिया है सेल्फ कलेक्टेड सैंपल्स फॉर HPV टेस्टिंग। तो HPV टेस्ट बेसिकली ये सर्विकल इन्फेक्शन को लुक आफ्टर करता है बाय हाई रिस्क टाइप्स ऑफ HPV विच आर मोर लाइकली टू काउज प्री कैंसर्स एंड कैंसर्स ऑफ द सर्विक्स। एंड अगर हम बात करें HPV वायरस की तो ये मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन होते हैं ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक एंड देर आर मेनी टाइप ऑफ HPV एंड मेनी डू नॉट काउज प्रॉब्लम एंड सर्विकल कैंसर इज बाय फार द मोस्ट कॉमन HPV रिलेटेड डिजीज। एंड नाउ वी हैव द असमीज गमोशा, ये न्यूज़ में रही है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो बेसिकली असमीज गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ओनली हैंड वोवेन गमोशा दैट इज योर स्कार्फ। गमोशा आपने सुना होगा, गमछी का नाम सुना होगा आपने, अगर हिंदी लैंग्वेज को आप समझते होगे तो गमछी जो यूज होते हैं टॉवेल जिसको कहते हैं ना, तो वही होता है। बट हैंड वोवेन गमोशा जिसको स्कार्फ कहते हैं ऑफ द स्टेट वेवर्स विल बी यूज इन गवर्नमेंट प्रोग्राम। तो याद रखना है आपको, असम गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट ओनली हैंड वोवेन गमोशा या स्कार्फ ऑफ द स्टेट वेवर्स विल बी यूज इन द गवर्नमेंट प्रोग्राम। तो असमीज गमोशा ये न्यूज़ में आई है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जनरली वाइट कॉटन टॉवल होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इस गमोशा की जो बॉर्डर होती है वो रेड कलर से बॉर्डर होती है ना, ये याद रखना है। रेड कलर से बॉर्डर होती है, इट डजंट मीन कि आपका कलर्ड होता है, रेड कलर से बॉर्डर होती है। एंड इट इज अ सिंबल ऑफ फीलिंग एंड बिलोंगिंगनेस वेलकमिंग द पीपल रेस्पेक्टिंग एल्डर्स लव एंड केयर टू द लव्ड वन एंड इट इज लिस्टेड अंडर द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, याद रखना GI रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है आपका असमीज गमोशा। नाउ वी हैव द प्लेसेस इन न्यूज, तो ये आप देख सकते हो हैती, ये आपका न्यूज़ में है और हैती काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये अभी 2-3 दिन से न्यूज़ में चल रहा है। और अगर बेसिक की बात करें तो हैती आपका कंट्री है कैरेबियन सी में, कैपिटल इसका पोर्ट ओ प्रिंस है, ये आप देख सकते हो। ये आपका पूरा कैरेबियन स्टेट्स होते हैं, कैरेबियन सी है ना, और यहाँ पर आपका कैरेबियन सी में जो आपके स्टेट्स या कंट्रीज हैं उनको कैरेबियन स्टेट्स या कैरिकॉम का आपने नाम सुना होगा, कैरेबियन कम्युनिटी, जो प्रीलिम्स में जो NDA का प्रीलिम्स है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखना है ना। तो हैती कंट्री इन कैरेबियन सी विद कैपिटल पोर्ट ओ प्रिंस एंड इट इज बॉर्डर टू द ईस्ट बाय डोमिनियन रिपब्लिक, ये देख सकते हैं ना, ये आपका हैती है और ये आपका हैती है छोटा सा, और इसके ईस्ट में आपका डोमिनियन रिपब्लिक है और साउथ एंड वेस्ट में आपका कैरेबियन सी है, आप देख सकते हैं साउथ एंड वेस्ट में आपका कैरेबियन सी है एंड नॉर्थ में आपका अटलांटिक है एंड ऑन द वेस्ट ये आपका क्यूबा है, बिटवीन क्यूबा एंड हैती वे आपका विंडवर्ड पैसेज विच इज ए स्ट्रेट कनेक्टिंग अटलांटिक टू कैरेबियन। और इन द वर्ल्ड हिस्ट्री इट इज़ फेमस फॉर हैतियन रिवॉल्यूशन, याद रखना है हैतियन रिवॉल्यूशन के लिए फेमस है जो आपका 1791 से 1804 के बीच चला था,
which made it the second country in America after United States to free itself from colonial rule. तो ये भी आपको याद रखना है ना, second country in America after US to free itself from colonial rule. सिंपल आपको याद रखना है, हैती का जो बॉर्डरिंग नेशन है, एक तरफ आपका क्यूबा है, एक तरफ आपका डोमिनियन रिपब्लिक है, और एक तरफ आपका ये देख सकते हो कैरेबियन सी है, और फिर आपका ये ईस्ट वार्ड में आपका अटलांटिक ओशन आ गया, ये आपका वेस्ट में भी आपका अटलांट ये कैरेबियन है सी है. ये आप मैप से और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, यहाँ पर मैप क्लियर नहीं है. सो लेट्स मूव टू द सेकंड वन. बुक्सवाहा डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट विल मेक द बुंदेलखंड वाटर स्कैरसिटी वर्स. दैट्स व्हाई ये बुंदेलखंड न्यूज में आई है. तो बेसिकली बुंदेलखंड काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहती ही है ना, और वाटर स्कैरसिटी तो एक इम्पॉर्टेंट मान के चलो इश्यू है बुंदेलखंड का. एंड इट इज़ ए पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया कंप्राइजिंग 13 डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश एंड 6 इन मध्य प्रदेश. तो बुंदेलखंड एक प्रकार से यूँ कह सकते हो कि कमांड रीजन है बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. तो देख सकते हो ये आपका मध्य प्रदेश है, ये आपका उत्तर प्रदेश है. तो मध्य प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट आ गए, और ये दोनों मिला के आपका बुंदेलखंड रीजन बनता है ना. तो ये भी याद रखना है आपको. एंड इट ऑल्सो कंप्राइजेज विंध्यन रेंज एंड द रीजन इज मोस्टली ड्राई लैंड, दैट व्हाई वाटर क्राइसिस आता है. तो ज्योग्राफी इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर जिसके कारण आपका वाटर क्राइसिस देखने को मिलता है. एंड द बेतवा रिवर हैज बीन डैम्ड एंड प्रोवाइड्स इरीगेशन वाटर एंड डायमंड्स ऑफ गुड क्वालिटी बट स्मॉल साइजेज आर फाउंड इन पन्ना. ये है आपका पन्ना, पन्ना इज फेमस फॉर पन्ना टाइगर रिजर्व एज वेल. एंड झांसी इज द लार्जेस्ट टाउन एंड वी हैव द लैम्ब्रू एलिफेंट रिजर्व. ये थर्ड न्यूज है आपका, लैम्ब्रू एलिफेंट रिजर्व ये प्रपोज करी गई है छत्तीसगढ़ में, और इसका एम बेसिकली ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करना, साथ ही साथ प्रोवाइडिंग ए परमानेंट हैबिटेट फॉर द एलिफेंट. तो ये हमने डिस्कस किया ओवरऑल डिटेल्स, और होप आप लोगों को पसंद आई होगी. अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच.